जीवित नवजात को मृत बताने के केस में दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंस रद्द। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया अस्पताल पर कार्रवाई का ऐलान, मैक्स ने कहा बचाव का पर्याप्त मौका नहीं मिला। मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का आईएमए ने किया विरोध, कहा एक डॉक्टर की सजा पूरे अस्पताल को क्यों। लाइसेंस रद्द करने पर बोले सीएम केजरीवाल, अस्पताल की खुली लूट और आपराधिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं। आरोपी दोनों डॉक्टर मैक्स से पहले ही हो चुके हैं बर्खास्त, पीड़ित परिवार ने की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली के नरेला में शराब माफिया की दादागिरी, दिल्ली महिला आयोग की वेंटिलेटर से मारपीट, वॉलंटियर से मारपीट, निर्वस्त कर घुमाया महिला का आरोप, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद 6 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। गैर कानूनी शराब दुकान पर महिला आयोग से बौखलाया था शराब माफिया, पीड़ित महिला की सूचना पर बुधवार को ही थी छापेमारी। एनएनजेपी अस्पताल में महिला से मिलने के बाद एलजी ने से मिले सीएम केजरीवाल, अवैध शराब की बिक्री में बताया पुलिस का हाथ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने रोहिणी के डीसीपी को भेजा समन, 12 दिसंबर तक पेश होने का फरमान। 2006 के निटारी केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत, गाजियाबाद की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। अंजलि हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है सजा, रिंपा हल्दर केस में कोहली को मिली उम्र कैद। फतेहपुर में महिला ने लगाया 2 दबंगों पर गैंग रेप का आरोप, आरोपी फरार। टाटा जम्मू तवी मूरी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, कौशंबी के पास सिराथू में करीब घंटे पर हुई ट्रेन में जांच। अलीगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 मन चले, चोरी छिपे लड़कियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। गुजरात में कल होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को बड़ा झटका, करीबी रहे दिनेश बंभानिया ने छोड़ा संगठन। कांग्रेस घोषणा पत्र में आरक्षण पर पूरा वादा न मिलने पर दिनेश ने जताई नाराजगी, हार्दिक को बताया कांग्रेस का एजेंट। गुजरात में वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, महाराष्ट्र के गोंदिया से सांसद नाना पटोले ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। किसानों की अनदेखी से नाराज था नाना पटोले, कहा सरकार नहीं सुन रही थी हमारी बात। राजकोट में एक बुजुर्ग ने मनमोहन सिंह को दिखाई यूपीए शासन के भ्रष्टाचार की सूची, कारोबारियों से के सेमिनार में पहुंचने थे मनमोहन। गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, बनासकांठा की रैली में बोले पीएम मोदी, कहा मुझे रास्ते से हटाने की सुपारी देने पाकिस्तान गए थे बड़ी शंकर अय्यर। छोटा उदयपुर की रैली से पीएम को राहुल का जवाब, कहा पीएम पद पर बैठे व्यक्ति का कांग्रेस करती है सम्मान, असभ्य भाषा कांग्रेस की संस्कृति में। गुजरात का दिल जीतने अचानक पाव भाजी की दुकान पर पहुंचे राहुल, तारापुर की दुकान में खाई पाव भाजी। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, अहमदाबाद में जेटली ने गुजरात से वादे गिनाए। गुजरात में कल सीटों पर मतदान, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सीएम रूपाणी समेत 977 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। पहले चरण के चुनाव के लिए सूरत में जबरदस्त सुरक्षा, 232 मतदान केंद्र संवेदनशील। अहमदाबाद में बीजेपी के प्रचार में लेजर लाइट का इस्तेमाल, मोदी के कटआउट के साथ जगमगाया साबरमती का किनारा। गांधीनगर के कलोल में बीजेपी का अनोखा प्रचार, पार्टी के रंग में दिखे बीजेपी समर्थक। गुजरात के वडोदरा में दिखा चुनाव प्रचार का नया रंग, अकोटा से बीजेपी प्रत्याशी सीमा मोहिले वोट मांगने के लिए करपा का इस्तेमाल। अश्लील भाषा के वायरल ऑडियो पर तलाला के बीजेपी विधायक गोविंद परमार की सफाई, कहा ऑडियो में मेरी आवाज नहीं। जूनागढ़ के कोटडा में स्वामी नारायण संप्रदाय के महंत भक्ति प्रसाद पर हमला, हमले के बाद बदमाश फरार। कांग्रेस निलंबन के बाद मणिशंकर अय्यर का बयान, अगर मेरे बयान की वजह से गुजरात में कांग्रेस हारी तो मुझे दुख। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने उन्नाव में बोला अय्यर पर हमला, नीच वाले बयान को बताया दिमागी दिवालिया पर। कांग्रेस के निशासन नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, दिल्ली के शकरपुर में प्रदर्शन। अय्यर के नीच बयान में लालू का न्याय,
रॉबर्ट वाड्रा ने बचाई बाइक सवार की जान, बस से टकराने के बाद सड़क पर गिरा था युवक, वाड्रा ने बचाया अस्पताल। दिल्ली के शाहदरा में नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया नगर में दोस्त ने मारी युवक को गोली, एम्स ट्रॉमा सेंटर में जख्मी की हालत गंभीर। वारदात से पहले दो दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे आरोपी और पीड़ित, वारदात के बाद बाकी तीनों दोस्त फरार। दिल्ली पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बचाया, जीबी रोड पर लड़की को बेचने आए थे आरोपी। गाजियाबाद के हिंडन विहार में प्लास्टिक के अवैध गोदाम में आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गाजियाबाद में एनआईए की टीम पर हमला करने का आरोपी, मुल्क गिरफ्तार, आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने का शक। कानपुर के सजेती में दो ट्रकों में भीषण टक्कर, 5 मरे, 4 जख्मी रूप में। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में पत्रकार पर हमला, शहर में हफ्ते भर के भीतर पत्रकार पर हमले की दूसरी घटना। लखीमपुर खीरी में डीएम के आदेश से हड़कंप, स्कूल न आने की शिकायत पर 42 शिक्षकों का रुकवाया मीटिंग। वैशाली के महानार में सांसद पप्पू यादव ने सरेआम अफसरों को दी गाली, कारोबारी के कत्ल के खिलाफ धरने में पहुंचे थे सांसद। पटना में बीजेपी दफ्तर पर आरक्षण विरोधी मंच के कार्यकर्ताओं ने किया हमला, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बयान से खफा। मोतिहारी में सीएम नीतीश और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूंका, हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग को उठाया। रक्सौल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा कर्मियों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, सैलरी को लेकर उठाई मांग। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में विवाद में उप मुखिया ने गोली मारकर एक शख्स की कर डाली हत्या, कोर्ट में करता था काम। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के बीडीओ कुंदन कुमार को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन ने अब तक मुहैया नहीं कराई सुरक्षा। गोपालगंज में लश्कर एजेंट अब्दुल नईम शेख गिरफ्तार, मुंबई सीरियल बम धमाके के आरोपी अब पूजनदाल का है सहयोगी। कटिहार स्टेशन पर दैनिक रेल यात्रियों का हंगामा, ट्रेन लेट से चलने का किया विरोध। कटिहार में कालाबाजारी का 55,000 लीटर केरोसिन बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार। हाजीपुर में गौरक्षकों ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, 6 ट्रक भी जब्त। हजारीबाग में नक्सलियों के खिलाफ एसपी अनूप बिरथरे ने खोला मोर्चा, एनकाउंटर में 3 गिरफ्तार, भारी असला जब्त। झारखंड में साइबर अपराधियों पर पुलिस कसेगी नकेल, देवघर में 250 साइबर क्रिमिनल का तैयार हुआ डेटा। झारखंड के गोड्डा में सामने आई सदर अस्पताल की बद इंतजामी, एम्बुलेंस न होने से बाइक से ले जाना पड़ा बेटी का शव। जमशेदपुर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुई सेना, बच्चों के साथ दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश। जमशेदपुर के कदमा में एक स्कूल में छात्र ने छात्राओं पर किया स्प्रे, कई छात्राएं बेहोश, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। अमृतसर में सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली दल ने किया NH-54 पर जाम, फिरोजपुर में अकाली कार्यकर्ताओं से केस हटाने की मांग। में शेयरिंग कैब में महिला से रेप की कोशिश, पुलिस पर केस दर्ज करने का आरोप। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।